मंडी बंद, लाखों का कारोबार ठप। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी चौथे दिन भी बंद रही। इसके चलते करीब लाखों रुपए का कामकाज प्रभावित हुआ। व्यापारियों ने बताया कि जब तक नई कृषि नीति को लेकर फैसला नहीं होता, तब तक व्यापारी कोई टैक्स जमा नहीं कराएंगे। ज्ञात रहे कि 5 जून को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार मंडियों के बाहर मंडी टैक्स, मंडी सेस, लेवी सहित अन्य कर समाप्त कर दिए गए थे, मगर अध्यादेश के बाद भी वसूली जारी होने के विरोध में 4 दिनों तक मंडी बंद रहने का आह्वान किया गया। व्यापारी केंद्र सरकार मंडियों में कार्य करने वाले व्यापारियों को भी मंडी से सहित अन्य लेवी से मुक्त करने, मंडियों में मेंटेनेंस के लिए फंड उपलब्ध कराने, संघ की मांग के अनुसार 0.50% मंडी सेस की दर करने व किसान कल्याण फीस को समाप्त करने की मांग की गई। मंडी परिसर 4 दिन से बंद है। मंडी परिसर में नीलामी कार्य पिछले 4 दिवस से आज बंद है। उसका मुख्य कारण है राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार की नीति का विरोध करते हुए मंडी परिसर में और या मंडी के जो गौण मंडी यार्ड हैं उनमें मंडी टैक्स लगाया हुआ है, जो कि 1.6% प्लस किसान कल्याण फंड 1%, इस तरह 2.6% का टैक्स हमारे ऊपर लगाया हुआ है। मंडी परिसीमा से बाहर कोई अगर व्यापार करता है, न तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है, न उसे किसी तरह का टैक्स चुकाने की जरूरत है। इस तरह की दोहरी नीति अपनाकर राजस्थान सरकार ने मंडियों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। आने वाले समय में मंडियां बंद हो जाएगी और जो छोटे किसान हैं उनको नुकसान होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मंडियों में पहले 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल की गई और उसके पश्चात 4 दिन का बंद का निर्णय राजस्थान खाद्य व्यापार संघ द्वारा लिया गया। आज अंतिम दिवस है, 4th दिन है। अभी देखो शाम को जयपुर से क्या निर्देश मिलते हैं, उसके पश्चात ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मैं हरिकिशन छापरवाल, मंडी व्यापारी।